तो भाई साहब, हमारे ओलंपिक के टूर में एक और ब्रॉन्ज मेडल ऐड हो चुका है। यानी कि आपने देखा होगा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था हॉकी के रिलेटेड, वहाँ पे हम हार गए थे, पर जो ब्रॉन्ज मेडल की बैटल थी, जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे स्पेन के सामने हमने 2-1 के स्कोर से स्पेन को हरा दिया। और ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूसली 2 टाइम्स हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी हॉकी में। जो पिछला ओलंपिक हुआ था 2020 टोक्यो में, वहाँ पे भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और यहाँ पे पेरिस में भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है। जो सिल्वर मेडल नहीं आ सका, गोल्ड मेडल नहीं आ सका, पर बाई चांस हमने ब्रॉन्ज मेडल जीत ही लिया। और इसी के साथ पीआर श्रीजेश ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और ये इनको बोला जाता है बेस्ट वॉल, यानी कि आप सिक्योर वॉल की तरह से भी जान सकते हो, यानी कि वो गोल कीपर है तो उनको गोल बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो उसी के साथ उनका नाम पाड़ दिया, रख दिया है कि श्रीजेश इज अ सेफली वॉल, सिक्योर वॉल, काफ़ी सारे नाम दिए गए, पर उन्होंने इस जीत के साथ अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और इस साल काफ़ी 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 अलग सा ट्रेंड चल रहा है, जो भी जीत रहा है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दे रहा है। तो उसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे कि इस साल कितने प्लेयर्स ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस किए इंटरनेशनल मैचेस में से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में से। तो वीडियो आएगा, जो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए। और काफ़ी गर्व की बात है, यानी कि आप समझो कि विनेस फोगाट का थोड़ा हमको दुख रहेगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, वरना वो भी सिल्वर या गोल्ड मेडल आ जाता। पर हमारे नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो लेट्स होप कि आपको ऐसे ही और हमको भी ऐसे ही सेलिब्रेट करने का मौका मिलता रहे, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू व्यूअर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।